पूरे गांव के साथ हैप्पी न्यू ईयर। गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। अभी है जो ये जो सामने वाला है जो बिल्डिंग, ये उसी होटल में रह रहे थे और यहाँ से अभी चेकआउट आउट कर ली है। अभी है जो सुबह का 10 बज रहे हैं और यहाँ चलेंगे टी गार्डन, और उससे पहले थोड़ा चाय पी लेते हैं। उसके बाद टी गार्डन से आगे भी है, लेकिन यहाँ सबसे एक बार में ना पूरा घूम नहीं सकते। या तो आप पूरा घूमने के लिए आपको एक गाड़ी हायर करना पड़ेगा, या फिर शेयर करने करके तो ज़्यादा थोड़ा परेशानी होता है। लेकिन देखते हैं कितना घूम पाते हैं। तो पहले प्लानिंग है टी गार्डन का, और कुछ इस तरह का यहाँ पे है, और ये ऊपर रोड है उस पर चलेंगे, और होटल इसी तरह का, होटल नीचे होटल, फिर होटल नीचे होटल, ऐसे होता है यहाँ पे ना। सारे हैं वो टैक्सी ही हैं, तो लिफ्ट का तो हो नहीं पाएगा। इसी होटल में स्टे किए थे रात में, और ठंड है जो काफ़ी है। पता है भारी मात्रा में बर्फबारी हुआ था, लेकिन लोग जब आ रहे थे तो बोला कि ये अब तो दो दिन पहले आते तो और मज़ा आता। ये सब है जो कभी कभी होता है, और मौसम है बादल सा बना हुआ, तो कहीं हो जाए तो और मज़ा आएगा। और कुछ इस तरह का यहाँ रोड है, काफ़ी जंगल। पीछे देखे होगे मेरा मास्क था, वो ग्रीन कलर का, वो 20 रुपये में लिए थे, वो पता नहीं कहाँ रखा है, ध्यान ही नहीं आ रहा। और अभी यहाँ पे हर चीज़ महंगा है यार। पानी बोतल 20 रुपया, और चलो पानी बोतल तो कहीं भी 20 रुपया मिल जाता है, और ये मास्क है 50 रुपये का। मतलब जो मास्क हम कल पहने हुए थे वो यहाँ पे 50 रुपये में मिल रहा है, और ये मास्क है जो ये दिया है 10 रुपये का, ये तो ज़्यादा टाइम चलेगा नहीं। और ऐसे भी हमसे पानी बोतल और मास्क और रुमाल, ये तीन चीज़ें हमसे टिकता नहीं है, बार बार कहीं ना कहीं खो जाता है। तो कोई बात नहीं, फिर ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, और इसलिए सस्ता खरीद लेते हैं, जबकि हमको तो पता है खोना ही खोना है। तो यहाँ से आपको कुछ व्यू पॉइंट दिखाते हैं, यहाँ पे सिर्फ पहाड़ी पहाड़ नज़र आएगा। सब काले काले ही दिख रहा है पार, और जितना जो आप वो जो वाइट देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे बर्फ है गिरा हुआ पहाड़ पे। काफ़ी शानदार व्यू है यहाँ से, आपको दिख रहा होगा। तो अब यहाँ से चलते हैं, और अब यहाँ से है जो गाड़ी पकड़ लेते हैं ताकि जल्दी पहुँच जाए वहाँ पे, और नहीं तो कल की जैसे हो जाएगा फिर लेट। यहाँ पे ना एक चर्च है, चर्च स्कूल है, और आपको दिख रहा होगा जाम लग गया है। जाम लगने के कारण है ना रोड पे है, रोड है जो पीच हो रहा है, इस वजह से जाम है। और यहाँ से रोपवे शुरू होता है, तो देखते हैं कहाँ पर ज़्यादा है रोपवे, सब पहले पता करते हैं फिर आपको बताते हैं। अगर आपको हाइक करना हो तो यहाँ आ सकते हैं, और यहाँ पे पहाड़ है उस पर आप रस्सी के द्वारा उस पर पहाड़ पर चढ़ना, और एक छोटा सा यहाँ पे भी है इधर। ये रहा जॉय कर रहे हैं लेते।
गजब का व्यू। चाय की खेती इसी तरह होती है, मगर ये छोटा सा है और ये 17 नंबर है खेत का भी, सब का ना नंबर नंबर इस तरह का जो खास है नहीं यहाँ पे। तो यार बड़ी मुश्किल है, काफी मजा आ रहा है। इस तरह का है कुछ यहाँ पे, इसी का तो मजा लेने के लिए यहाँ पे आए हैं, लेकिन इस तरह का हो नहीं रहा, छोटा ही सही लेकिन एंजॉय भरपूर करना है। ओहो, बस इसके नीचे यहीं तक है, इसके नीचे है जो और गड्ढा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो काफ़ी सारा फोटो भी हो गया और भी यहाँ से चलते हैं, कुछ इस तरह का है, इसमें क्या तोड़ा जाता है समझ नहीं आ रहा। आप इसका मजा लीजिए इस वादियों का। अभी आए हैं पद्मजा नायडू जू, और ये जू का टिकट है 60 रुपया, और अभी जू है जो 10 से 4 है ओपन होता है, और इस तरह का गेट है और बाहर में इस तरह का मार्केट लगा हुआ है। काफ़ी चढ़ाई चढ़ के आए हैं यहाँ पे, मास्क लगाना अनिवार्य है और नहीं तो फाइन है 500 रुपया। जू में अभी हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि 2 बज गया है, और फिर जू जाएंगे तो फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो हम यहीं से अब भैंस लौट चलते हैं। नहीं दिखा दे रहे हैं, वो यहाँ पे भी भीड़ है, गजब का भीड़ म्यूजियम के लेकर, और यहाँ पे तीखा तीखा जो मोर होता है ना उसके लेकर है, जो जाम है जो काफी होता है। यहाँ से तो पूरा दार्जिलिंग दिख जा रहा है, हर पार जितने घर। ऑसम भी यहाँ से गजब का नज़ारा। ये विलेज का है, यहाँ का रास्ता पता नहीं चलेगा, काफ़ी नीचे हो जाएगा फिर ऊपर आने में, और मेन है कि रास्ता पता नहीं चलता है। मन तो कर रहा है कि आज नाइट यहीं पे स्टे कर जाए नीचे, अच्छा देखते हैं। तो वैली में आ गए हैं और काफ़ी, ये तो नीचे आने में काफ़ी परेशानी है,
ऊपर जाने में क्या होगा पता नहीं, लेकिन कुछ इस तरह का है यहाँ पे। टी का खेती होती है, सिर्फ टी टी है। इधर भी और पूरा दार्जिलिंग मेन टाउन। ये जो काफ़ी खूबसूरत पेड़ है, लंबा, काफ़ी लंबा लंबा है, शायद आपको अंधेरा दिख रहा होगा लाइट की लेकर। उसके बाद क्या होता है, तो वैली में आए हम लोग, यहाँ पे हैं जो वैली लोग हैं वो पिकनिक मना रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर, ओके, थैंक यू। जब नीचे आ रहे थे लोग पिकनिक मना रहे थे और बोले कि कहाँ जा रहे हो, हम बोले कि जा रहे हैं वैली घूमने, तो बोले कि रुको रुको रुको, एक भज कहाँ से हो, हम बोले बिहार से, और भोजपुरी गाना बजाओ डांस करने, तो एक गाना बजाए डांस किए, और इसके बाद फिर है जो लेके ठीक है ओके। काफ़ी अच्छा लगा इन लोग से मिलकर। आंटी जी लोग बैठे हुए हैं, जाना है वहाँ पे, लेकिन कुछ रास्ते हैं शॉर्टकट इधर से, तो चलते हैं इधर से ही। रोड जो रोड के रास्ते हैं उसे तो बहुत चले, लेकिन इससे चलकर देखते हैं, एक्सपीरियंस भी मिलेगा और काफ़ी ढुलकाव है, पैर न फिसले इसका एक डर है, कहीं मिट्टी स्लोप है ना, तो कहीं इसका पत्थर जो है उससे बचाव हो जाता है। ओह वाह, आधा नीचे तो आ गए हैं। वैली में एडवेंचर का तो यही मज़ा है, और यही चाहते थे, उस टाइम से मिल नहीं रहा था। ये लोग भी इधर से ही आए हैं शॉर्टकट, और इधर से गाड़ी आ रही है, और हमें जाना है वहाँ पर पहुँच जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो आगे रास्ता बताना, आ जाओ छोटू, आ जाओ आ जाओ। ये भी है, ये भी है जो अपने मगन है, नज़ारे देख रहे हैं। नहीं देखो भाई, हम चले आगे, और हमेशा मास्क लगाने का आदत हो गया, अभी कोई है नहीं। काफ़ी ऊंचाई से नीचे हैं, चलते हैं अब इस तरफ, रोड है, और देखते हैं आगे क्या एक्सपीरियंस होता है। हमारे पीछे जो अंकल लोग हैं ये अपना ग्रुप में आए, ये लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे, बोले कि लाइन में लग जाओ सब, तो हम नज़दीक आए हुए थे, तो हम बोले कि रुक जाइए अंकल, हम भी लाइन में लग जाते, बोले कि आ जाओ आ जाओ। तो कुछ लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तो काफ़ी थक गए हैं, नीचे आ गए, इसका नीचे आने में काफ़ी थक गए, थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, कुछ इस तरह का है यहाँ पे, और बैग देखते हैं, और हो सके थोड़ा सा नीचे और जाएंगे, उसके बाद क्या सीन होता है फिर आपको बताते हैं, तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। ओके, जैसे चल दिए नीचे की ओर, और थोड़ा नीचे जाकर देखते हैं, कुछ लोग हैं वहाँ पे, और अगर वहाँ कैंपिंग की अगर व्यवस्था अगर हो जाता है तो आज नाइट हम वहीं बिताएंगे, अगर नहीं होता है तो फिर आपको देखते हैं क्या होता है, और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया आज का। वीडियो आपको कैसा लगेगा ज़रूर बताइएगा, और लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ओके, थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर, बाय।